आलिया भट्ट की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है और जिसके चलते आलिया विकास बहल की फिल्म शानदार की शूटिंग बीच में छोड़कर ही संडे को घर लौट आई। कहा जा रहा था कि अपेंडिक्स की वजह से आलिया को पेट में दर्द है, लेकिन कई टेस्ट से गुजरने के बाद उनके पिता महेश भट्ट ने बताया कि उसे अपेंडिक्स नहीं है और आलिया की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अब वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही है। हाल ही में देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भी फिल्म बाजीराव मस्तानी की शूटिंग के दौरान थकान की वजह से गिरकर बेहोश हो गई थी। सुपरस्टार अक्षय कुमार की एक्टिंग से तो सभी वाकिफ है, लेकिन इस मंझे हुए स्टार के भी तब पसीने छूट गए जब उन्हें नीरज पांडे के डायरेक्शन में एक शॉट के लिए 25 रेटिंग लेने पड़े। इन दिनों अक्षय कुमार आबू धाबी में बेबी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। 50 डिग्री के तापमान में अक्षय को रेत के टीलों के बीच राणा दग्गुबाती के साथ एक शॉट शूट करना था। तेज धूप और उड़ती रेत के बीच दोनों टेक पे टेक देते रहे, पर नीरज ओके करने को राजी नहीं थे। पूरे 25 रिटेक के बाद जब शॉट ओके हो पाया तब अक्षय और राणा ने राहत की सांस ली। फिल्म बेबी अगले साल 23 जनवरी को रिलीज होगी। इन दिनों सोनाक्षी सिन्हा अफवाहों से काफी परेशान है। फिलहाल अर्जुन कपूर के साथ अफेयर की खबरें पर सोनाक्षी ने साफ कहा है कि साथ में काम करने या फिल्म देखने का यह मतलब नहीं होता कि दो लोगों के बीच में अफेयर है। सोनाक्षी और अर्जुन फिल्म तेवर में साथ काम कर रहे हैं। तेवर अगले साल 9 जनवरी को रिलीज होने जा रही है, जिसका निर्माण अर्जुन के पिता बोनी कपूर और चाचा संजय कपूर कर रहे हैं। इससे पहले भी सलमान खान की बहन अर्पिता के रिसेप्शन में सोनाक्षी के रोने की खबरें उड़ी थी। कहा जा रहा था कि सलमान से झगड़ा होने की वजह से सोनाक्षी रो पड़ी थी और तभी सोनाक्षी ने ट्विटर पर इसे बकवास बताया था।